आई एम सुपनजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले अ बिग थैंक यू जिस तरह से आपने रिस्पॉन्ड किया है मेरे पेड मेंबरशिप प्रोग्राम को। मैंने इतना अगेन मैसिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो थैंक्स अ लॉट। और दूसरी बात है, जो बाकी सब्सक्राइबर्स को ऐसा लग रहा है कि क्या इस चैनल पे अब सिर्फ पेड ही कंटेंट आएगा, नहीं, इस चैनल ने पहले भी फ्री कंटेंट दिया है, फ्री प्लस जेन्यून कंटेंट दिया है, आगे भी आपको इस चैनल पे फ्री और जेन्यून कंटेंट ही मिलेगा। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि अब इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पेड कंटेंट आएगा, बिल्कुल नहीं। जैसी आज तक की मेरी सारी स्ट्रेटजीज को आपने अपनाया है, उस पर काम किया है, उससे काफी सारा प्रॉफिट कमाया है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप उसको बैक टेस्ट करके उस पर काम कर रहे हो। वैसे ही आगे जो भी मेरी स्ट्रेटजीज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करूंगी इस चैनल के थ्रू। पर जिस तरह से तकरीबन 80% लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, उसी तरह कुछ 1% लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आके बहुत क्रिटिसाइज किया है मुझे। और जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, फाइन, मुझे क्रिटिसाइज करो, आप मुझे पसंद कर सकते हो, आप मुझे नापसंद कर सकते हो, यू कैन लाइक मी, यू कैन डिसलाइक मी, बस आपकी लैंग्वेज जो है क्रिटिसिज्म की वो गंदी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल अपनी हदें पार कर दी है इस तरह से क्रिटिसाइज करके, उनको मैंने रिपोर्ट किया है यूट्यूब को। पर इतना सब गंदा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पे आना छोड़ सकते हो, उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उसको डिसलाइक कर सकते हो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद नहीं है तो। पर वो जो लैंग्वेज आप यूज करते हो उससे आपकी खुद की पर्सनैलिटी झलकती है। और जो बिल्कुल और एक्स्ट्रा क्रिएटिव लोग हैं जिनको मैं बोलूंगी कि शायद ही उनके पास काम नहीं है करने को, उन्होंने मेरे मैं कितना उससे कमाऊंगी इसका हिसाब नीचे लिखा हुआ है कि 119 रुपीज ले रहे हो और इतने सब्सक्राइबर, फिर आप महीना इतना कमाओगी और इतना, ये सब इतना डिटेल में एक्सप्रेस किया है। तो उनके लिए और एक थोड़ा सा मैं इनपुट देती हूँ कि जो भी आपने नीचे मैथ करी हुई है उसके लिए कि 119 रुपीज जो है वो 100 रुपीज प्लस GST है, इसलिए वो 119 रुपीज है, तो GST तो सरकार को जाएगा। उसमें से भी 100 रुपए जो है उसमें से 30% यूट्यूब लेती है, तो उसमें से 30 रुपीज यूट्यूब को जाएंगे, तो बचते मेरे पास 70 रुपीज है जो मुझे मेरे तक मिलेंगे, मुझे 70 रुपीज मिलेंगे। तो आप फिर से अब मैथ करो, फिर से सारे डिटेल कमेंट में लिखो कि अब मुझे महीना कितना मिलेगा, सोचो। ओके, अब आते हैं आज की स्ट्रेटजी पे। आज की स्ट्रेटजी है क्रूड ऑयल की स्ट्रेटजी, जो सबसे हाई डिमांड पे थी। बट मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ क्रूड ऑयल को नहीं, आप इसको गोल्ड, सिल्वर, इवन USD INR इस पे भी अप्लाई कर सकते हो और ये बेस्ट रिजल्ट देती है। जहां तक इसके रिस्क टू रिवॉर्ड की रेशियो की बात है, वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देती है। और अगेन मैंने उसमें वो एक्सेल के कैलकुलेटर का यूज किया है, तो अगर उसको डाउनलोड करना हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, या आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं विच इज www.swapnayasharma.com, वहां से टूल सेक्शन में से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ब्लॉग की भी लिंक दे रही हूँ इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो थोड़े बहुत अगर आपको तो सवाल रह भी जाए तो शायद उस ब्लॉग में जितना मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन से बनाया है उसके बाद आपको थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो सकते हैं, तो एक बार वो आप ब्लॉग भी चेक कर लेना। आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। हमेशा से मेरी स्ट्रेटजी जो रहती है कि मैं RSI यूज करती हूँ, 380/20 का जो अपर लोअर बैंड होता है उसमें एक EMA है, 50 EMA और 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। बहुत सिंपल सेटअप है पर बहुत शानदार सेटअप है ये, और जिसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए उसमें बने रहने का, क्योंकि 1:2 के रिवॉर्ड है, 1:2 के रिवॉर्ड के लिए आपको स्ट्रेटजी में बना रहना पड़ता है, तभी आपको इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, सो लेट्स डाइव इन। सो लेट्स सी क्रूड ऑयल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप सबसे पहले देखेंगे हम, एंड व्हाट वी नीड इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। लॉन्ग सेटअप जो भी होगा वो है 2 bullish candles, जैसा मैं हमेशा मेरी स्ट्रेटजी में लेती हूँ, 2 bullish candle सेटअप where second candle should close above previous bullish candles high। और first and second candle इसमें हमें above 50 EMA चाहिए। यहाँ पे जो हम लेंगे 15 minute candle
50 EMA or RSI 3 with the band of 80 and 20. So second candles RSI 3 should be greater than 80. ये सब हमारा होगा लॉन्ग सेटअप. और शॉर्ट सेटअप है टू बेरिश कैंडल सेटअप वेयर सेकेंड कैंडल शुड क्लोज बिलो प्रीवियस बेरिश कैंडल्स हाई. सो ये सेटअप हम ढूंढेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. और फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल शुड बी लेस देन 50 EMA एंड सेकेंड कैंडल्स RSI 3 शुड बी लेस देन 20. ये जो नॉर्मल सेटअप है हमारा, जो हमने अब तक काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज में यूज़ किया है, वही सेटअप हम क्रूड ऑयल के लिए भी यूज करेंगे. अब इसमें क्या है, द बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है. इस स्ट्रेटजी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:2. तो अब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है. तो आइए ये स्ट्रेटजी हम देखते हैं चार्ट्स पे. ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर है. EMA 50 यहाँ पे लगी हुई है. RSI 3 की वैल्यू है और जिसका अपर बैंड है 80 और 20. तो ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है. अब ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रेटजी दिखाओ तो यही बात होती है कि हाँ ट्रेंडिंग मार्केट में तो हर स्ट्रेटजी चल जाती है. ऑफकोर्स चल भी जाती है. ये स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा ही परफॉर्म करती है. मैं थोड़ा सा इस लगेज डे से शुरुआत करूंगी कि किस तरह से इस स्ट्रेटजी ने काम किया है. अब जैसे ये हमारा परफेक्ट जैसा चाहिए वो सेटअप है, ये जो दो बड़ी कैंडल है. पर आप अगर ये देखोगे उसकी फर्स्ट कैंडल की रेंज, इसका जो हाई है 2043 एंड द लो इज अराउंड 1941, तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाती है. तो ऐसे तो सेटअप अवॉइड करना ही ऑफकोर्स एक सेंस रहता है. तो अगर ये सेटअप हम जैसे अवॉइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो सेटअप बनता है इन दो कैंडल्स का बनता है. मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ. ये दो कैंडल्स का 50 EMA के नीचे है, उसकी जो सेकेंड की RSI वैल्यू है वो बिलो 20 है. तो इस कैंडल जो हमारी फर्स्ट प्रीवियस कैंडल है उसका जो हाई है विच इज इसका हाई यहाँ अब दिख रहा है, इसका जो हाई है 1923. तो हम हमेशा हाई के एक रुपया ऊपर SL लगाएंगे और लो के एक रुपया नीचे हमारा एंट्री रहेगी. तो इसका है 1923, मैं यहाँ पे डालती हूँ वो 1924. और जो लो है इसका, लो है तकरीबन 1916 का, तो 1915 हमारी एंट्री पॉइंट रहेगा. तो ये तकरीबन रेंज है 9 पॉइंट्स की, जिसकी रिस्क बनती है एक लॉट के हिसाब से ये कैलकुलेशन है 900 रुपीज़, जिसका टारगेट है 1897 आना चाहिए. तो अगर मैं प्लॉट करूँ यहाँ पे 1897, तो ये उसका टारगेट हो गया. और ये इसका SL भी प्लॉट कर लेते हैं हम. इसका SL है 1924, तो ये उसका SL है. यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी इस पॉइंट पर उसने टारगेट अचीव करने से पहले SL हिट कर लिया है. तो ये जो डेट है 8th अप्रैल को, हम यहाँ पे जस्ट नोट डाउन करते हैं 8th अप्रैल. और उसने पॉइंट्स जो दिए हैं हमें, पहले 9 पॉइंट का लॉस दिया है, -9. तो हमारा जो लॉस हुआ है वो 900 रुपीज़ का हुआ है. फिर जो सेकेंड सेटअप उसने दिया था हमको, तो ये वाला सेटअप दिया था जो आया था 11:30 को. इसका हम हाई और लो नोट करते हैं. इसकी हाई है 1935, तो इसका हाई हो गया, हम यहाँ पे एक रुपया प्लस लिखेंगे 1936. और जो लो है 1902, तो इसका लो हम लिखेंगे 1901. तो ये तकरीबन 35 पॉइंट्स का ये रिस्क का ट्रेड है. 3500 इसकी रिस्क है. हम बस इसको एडजस्ट करते हैं इस कोऑर्डिनेट को. तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये SL है और ये टारगेट है. अगेन आप देखोगे ये एक स्लगिश डे था, तो ये टारगेट तक तो आया ही नहीं. समहाउ ये यहाँ पे मार्केट बंद होता है इस जगह पे, पर 15 मिनट पहले ही ब्रोकर मार्केट से हमको निकाल देता है. जो इंट्राडे पोजीशन होती है वो 15 मिनट पहले स्क्वायर ऑफ होती है मार्केट से. तो इसका जो हाई है वो तकरीबन 1898, तो जो हमने सेल किया था 1901 को और 1898 को हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, तो तकरीबन 4 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस में मिल गए हैं. तो जो हमारा ये 8th अप्रैल का डे था, टोटल लॉस में गया था, -500 रुपीज़ का लॉस हुआ और -5 पॉइंट्स हमने गवा दिए. अब नेक्स्ट डे देखते हैं. नेक्स्ट डे क्या है, 9th अप्रैल. यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं 9th अप्रैल कितने पॉइंट्स हमें मिले. सबसे पहला सेटअप जो था हमें मिला था तकरीबन 1045 को. तो हम ये लेवल्स उसके मार्क कर लेते हैं. तो इसका लो है
1991, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1990। उसका जो हाई है 2010, तो इसका हाई लिखेंगे 2011। तो ये 21 पॉइंट का जो ट्रेड है हमारा, हम इसके एंट्री पॉइंट्स वगैरह मार्क कर लेते हैं। तो हमने इसके, तो फर्स्ट ट्रेड हमें मिला था 1045 को, ये हमने इसके हाई लो और टारगेट मार्क कर लिए हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि 1230 को हमारा टारगेट अचीव हुआ था, जिस ट्रेड में हम आए थे 1045 को। तो इसमें तकरीबन 42 पॉइंट्स हमें मिले हैं। विल जस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कि 42 पॉइंट्स, और ये ट्रेड तकरीबन 4200 रुपए का प्रॉफिट देके गया। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आई थी, इस अपॉर्चुनिटी की बात, ये आई थी 1445 को, तो हम उसके हाई लो मार्क्स कर लेते हैं। इसका हाई था 2049, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2050। इसका लो मार्क कर लेते हैं 2021, तो यहाँ पे लिखेंगे 2020। तो ये तकरीबन 30 पॉइंट का ट्रेड है, तो हमने इसके लेवल्स मार्क कर लिए हैं। ये ट्रेड हमें मिला था 1445 को, और 1445 के बाद ये तकरीबन 1630, मतलब 4:30 बजे इसका टारगेट हिट हुआ था, और ये हमें तकरीबन 60 पॉइंट्स देके गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते 60 पॉइंट्स, और ये ट्रेड था 6000 रुपीज का। तो ये ट्रेड था, टोटल 102 पॉइंट्स मिले थे इस ट्रेड में दिन भर में, और 10,200 रुपीज टोटल प्रॉफिट देके गया था। तो अगर आप देखोगे, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती है और बहुत क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दे जाती है। अब यहीं पे आप देखो, एक्चुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस तरह से स्ट्रेटजी ने परफॉर्म किया होगा। जब थोड़ा सा स्लगिशनेस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो शायद वो आपको थोड़े से पॉइंट्स का लॉस दे जाए। यहाँ पे तो उसने शायद एक दो वो भी नहीं हुआ है, ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ है। ज़रूर ये जब ट्रेंडिंग डे नहीं होगा तो इतना आपको प्रॉफिट देगी नहीं, खैर इतने इसमें कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिट नहीं दे सकती है। पर जब आपको वो ट्रेंडिंग दिखे, तब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये टारगेट 1:2 देती है। तो थोड़ा सा पेशेंस लेके चलो इस स्ट्रेटजी के साथ, आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे लगे। थैंक यू।